बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान सामने आया है। कैबिनेट में युवा जोश और वरिष्ठ नेता शामिल हैं, कैबिनेट पूरी तरह से संतुलित है, ये बयान शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहा है सुनिए। पूरी तरह संतुलित है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है गुड गवर्नेंस डे पर जो सरकार आज पूर्णता के साथ आकार ले रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अगुवाई में अपने सभी साथियों के साथ मध्य प्रदेश को सुशासन देगी, मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो आपको बता दें, थोड़ी देर बाद ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। करीब 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि युवा जोश और अनुभव का एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस मंत्रिमंडल में देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन से वो विधायक हैं जो डॉक्टर मोहन यादव की टीम में शामिल होने जा रहे हैं, यानी मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल रही है। प्रद्युमन सिंह तोमर, ये देखिए कौन कौन से राज्य मंत्री हैं, कृष्णा गौर, दिलीप जायसवाल, लखन पटेल, धर्मेंद्र लोधी, गौतम टेटवाल, नारायण पवार, राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अरियार, नरेंद्र शिवाजी पटेल, ये राज्य मंत्री होंगे। इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होंगे। कुछ राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाएगा। हालांकि किसको कौन कौन से विभाग मिलेंगे इसको लेकर अभी खुलासा नहीं है। जो संभावित नाम है, यानी जो थोड़ी देर में अब शपथ लेते हुए नजर आएंगे, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रद्युमन तोमर, कृष्णा गौर, प्रभुराम चौधरी, इंद्र सिंह परमार, कैलाश विजय वर्गीय, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। तो बस थोड़ी देर में ही शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्यपाल से सुबह मिलने पहुंचे थे। उन्होंने मंत्रियों की सूची राज्यपाल ऑफिस को सौंप दी है। 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह की टाइमिंग है, यानी अब से बस 5 मिनट बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है।